नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में छात्राएं पहुंची और एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें नगरपालिका के सामने स्थित राजकीय अनुसूचित छात्रावास को खोले जाने की मांग शामिल रही। मीडिया से हुई बातचीत में छात्राओं ने बताया कि हमारा छात्रावास पिछले एक साल से बंद है, जिससे हम सभी छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस छात्रावास में लगभग 50 छात्राएं रहती हैं, जो आजमगढ़ ही नहीं अन्य जनपदों की भी है। छात्राओं ने भी बताया कि जैसे कि मैदान के पास स्थित बालक छात्रावास को खोल दिया गया है, जबकि हम छात्राएं छात्रावास ना खोले जाने के कारण शिक्षा से वंचित रह जा रही हैं। छात्रा अरुणा कुमार ने बताया कि एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, वही हम बेटियां अधिकारियों के चक्कर लगातार काट रही हैं, फिर भी छात्रावास नहीं खोला जा रहा है। छात्राओं ने जिला प्रशासन से जल्द छात्रावास को खोलने की मांग की है। इस दौरान क्या कुछ कहा छात्राओं ने, आपको सुनवाते हैं। हम लोग छात्रावास में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चालू किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे हम लोग का अधिकार ही छीना जा रहा है, क्योंकि जब से कोरोना महामारी चला हुआ है तब से हॉस्टल बंद है। ये हॉस्टल बंद होने का समय है 22 मार्च 2020, और आज लगभग एक साल होने को है और अभी तक नहीं खोला गया। और हम लोग सभी बहनें जो है मिल करके कई जगह पर गए, जैसे DM कार्यालय, समाज कल्याण अधिकारी के पास गए, लेकिन फिर भी कोई मतलब निर्णय उन लोगों ने नहीं लिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, लखनऊ भेजेंगे तो जब वहाँ सूचना आएगी, शासन आदेश आएगा तब हम खोल देंगे, लेकिन हम लोग तब पर भी प्रयास करते रहें और कुछ नहीं हासिल हुआ अभी तक। आज फिर हम लोग उसी की चीज़ के लिए फिर कदम उठाए हैं, और जो कि आज हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि आगे हम लोग का ये काम मतलब जो हम लोग करने के लिए आए हैं ये पूरा हो, हमारी मांगे जो है पूरा हो कि हॉस्टल खुल जाए इस टाइम। तो क्या असर पड़ रहा है आप लोगों की पढ़ाई? हम लोग के असर पड़ा ये रहा कि बीच में हम लोग का एग्ज़ाम था, लगभग प्रीवियस वालों का सेकेंड ईयर वालों का लगभग एग्ज़ाम था, और जिसके लिए हम लोग फिर कहें कि हाँ खोल दीजिए, कुछ दिन के लिए खोल दीजिए, और सर बोले भी थे कि हाँ हम लोग खोल देंगे, तो हम लोग को खुला नहीं हॉस्टल और हम लोग आए गए, जिससे हम लोग को पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हुए, आने जाने में टाइम भी नुकसान हुआ, समय पे घर नहीं पहुँच पाते थे, काफ़ी दिक्कतें हुई, फिर भी हम लोग मैनेज किए, क्योंकि हम लोग DM कार्यालय जब गए थे तो वहाँ SDM सर थे कोई थे, तो वो हम लोग को बोले कि अरे तुम ही लोग एक हो कि जो कि तुम्हारे गार्जियन अपना व्यवस्था करें, हमसे नहीं मतलब है, जब होगा आदेश तो हम लोग कर देंगे, ऐसे हम लोग को बोला गया, फिर हम लोग चले आए। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम बस यही चाहेंगे कहने के लिए कि हमारा जो अधिकार है और वो हमें मिले, हमारा हॉस्टल खुलवा दें, ताकि सारी लड़कियां जो हैं जो दूर दूर से आ रही हैं, यहाँ तक कि जिला अपने ही जिला से नहीं, यहाँ तक बलिया से और गोरखपुर की भी लड़कियाँ रहती हैं, उन लोग को भी आने में दिक्कत है, सब लोग रूम ले लेकर के रह रहे हैं, दिक्कतें बहुत झेल रहे हैं, तो इससे हम चाह रहे हैं कि हॉस्टल जल्द से जल्द खोला जाए। ये समस्या ये है कि हम लोगों का हॉस्टल कोरोना के महामारी की वजह से बंद है और अभी तक खुला नहीं है। आपने कितने दिन से बंद है? 25 मार्च से बंद है, 22 मार्च से बंद है और अभी तक खुला नहीं है। अभी तक आपने कितनी समस्या पर किसी को बताया आपने? क्या DM ऑफिस भी हम लोग कई बार अप्लीकेशन लेके गए, समाज कल्याण भी दिए, अपने जो वार्डन हमारे अधिकारी हैं उनके यहाँ कई बार हम जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो बोलते हैं आदेश नहीं है। तो छात्रावास बंद होने से क्या क्या दिक्कतें आप लोग को? छात्रावास बंद होने से बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम लोग दूर दूर से हैं, कॉलेज आ नहीं पाते हैं, अब पेपर भी कई बार हम लोगों का हुआ, सर से रिक्वेस्ट किए कि खोल दीजिए, कम से कम पेपर तो दे लें, पेपर नहीं दे रहे हैं। आपका कहना है कि यहाँ जेंट्स का छात्रावास खुला? हाँ, जेंट्स वालों में लड़के रह रहे हैं पर हम लोगों में लड़कियाँ नहीं रह रही हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जब कॉलेज खुल गया तो छात्रावास किस वजह से बंद है, आखिर छात्रावास पे कोई तो लिस्ट लगनी चाहिए कि लड़कियां जाएं देखें कि किस वजह से छात्रावास बंद है, कोई लिस्ट लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए कि वहां पे लड़कियां जाएं तो पढ़ सकें कि किस वजह से बंद है, कुछ भी नहीं लगा, हम लोग कैसे जानेंगे कि छात्रावास बंद है। अच्छा, अगर समय रहते नहीं खोला गया तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग DM के यहाँ जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, सब लोग बोलते हैं लड़कियों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जब हमारा पढ़ने का हक है और हमको हॉस्टल में रहने नहीं दिया जा रहा है, कॉलेज खुल गया तो किस वजह से हॉस्टल बंद है, बताएंगे हमारे अधिकारी हमको बताएंगे किस वजह से बंद है? आपकी मुख्य मांग यही है कि उनको हाँ खोल दिया जाए, जब कॉलेज खुल गया है तो हॉस्टल किस वजह से बंद है, आखिर वजह बता दिया जाए हम लोगों की किस वजह से बंद है।